आगे बढ़ जाओ। अभी हमें डोरी लाल को उठेंगे और एक छोटा डोरी लाल आगे डाल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे Thank you.
लास्ट में और एक भजन गाने वाला लास्ट में। हाँ देखो, हम कथा ज़्यादा समय नहीं सुनेंगे, आधा घंटा सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को रात में घर में जाना, फिर घर में प्रसाद बनाना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा रोज सुनेंगे। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण घुमा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को चरण में यथा योग्य में प्रणाम करता हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे, ग्रंथ का नाम है बृहत भागवतामृत। कभी ये ग्रंथ का नाम बृहत भागवतामृतम क्यों नाम पड़ा है? बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे थे, परीक्षित महाराज की जो माँ का नाम थी उत्तरा, क्योंकि ये पांडवों का धरोहर है, क्योंकि पांडवों का वंश समाप्त हो गया। अश्वस्थ माने जो अंतिम में पांडवों का जो 5 बेटे थे उन्होंने उनको मार चुके हैं। इनकी वंश में जैसे श्राद्ध पिंड देते हैं, उनका परंपरा को रक्षा करने वाले कोई नहीं है। केवल एक ही बेटा था जो उत्तरा की गर्भ में, अभिमन्यु की जा पत्नी उत्तरा, उसकी गर्भ में केवल ये परीक्षित महाराज थे। इसलिए जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का जो सर पर जो मणि था उसको छीन लिया और उसको मुड़ मुड़ा करके 5 चोटी बना करके उसको बड़े बुरी तरह से अपमान करके छोड़ दिया, उसको इतना क्रोध उसको आया। बोले इतने अपमान, जो दुष्ट होते हैं ना वो कभी अपना दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं। बोले इतना अपमान, मेरी मणि छीन लिया और 5 चोटी बना करके गला में धक्का देकर घर से निकाल दिया। बोले इतने, मतलब मरने से भी ज़्यादा अपमान उनको किया। उसको तो मार डालता, किंतु वो ब्राह्मण था, इसलिए शास्त्र में बताया जो ब्राह्मण है वो जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अपराध क्यों नहीं हो, उनको जान से कभी नहीं मारनी चाहिए। बोले क्यों? कहते वर्णा ना नाम ब्राह्मण गुरु, क्योंकि वर्ण में जो ब्राह्मण ये गुरु होते हैं, ठाकुर जी स्वयं ब्राह्मण के चरण की पूजा ठाकुर ने खुद की है। और जितने इंसान का जो वर्ण में ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उनको प्राण से नहीं मारनी चाहिए। इसलिए लेकिन जो कोई व्यक्ति मानी व्यक्ति का अपमान ही ये मरने का बराबर है, हैं? इतने में उसको इतना क्रोध आया, बोले पांडवों को मैं निर्वंश कर दूंगा, पांडवों का कुल ही नहीं रखूंगा। इसलिए उसने किया कि पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र चलाया और श्री उत्तरा के गर्भ में 1 ब्रह्मास्त्र चलाया। क्यों? कहते ये
पांडवों का धरोहर है, अगर ये बच्चा मर गया ना इनका वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हो। भगवान जिनको रक्षा करते उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है। पांडव तो अपना अपना बाण को उन्होंने संभाल लिया, इतने में उत्तरा के शरीर में जैसे ऐसे आग लग गई, क्योंकि ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया ना उसने। चित्कार करते करते कृष्ण अभी द्वारका में जा रहे थे, अभी एक प्यार रथ में और एक प्यार उनको नीचे, अभी बैठ करके रथ में द्वारका चले जाएंगे। इतने में उत्तरा पाही माम प्रभु मेरे को रक्षा करो आकर के चरण में गिर पड़ी। बोल प्रभु अगर मैं मर जाऊँ ना कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो पांडवों का धरोहर अंतिम पुत्र मर गया, ये तो पांडव वंश ही खत्म हो गया। इनको कोई पिंड देने के लिए कोई नहीं रह जाएगा, इनकी वंश खत्म। इतने में भगवान के चरण में अगर कोई शरणागत हो जाता है ना, ठाकुर के चरण में एक बार केवल शरण में आ जाओ, भगवान खुद कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। ये भगवान का व्रत, क्या व्रत है, कहते मैं भक्तों को हर समय में अभय प्रदान करता हूँ, वो कोई मरते नहीं। इतने में भगवान गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते करते गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज किया। निस्तेज करके उन्होंने अमृत दृष्टि को धरा, उन्होंने उनको प्राण दान दिया, इसलिए उनका एक नाम है परीक्षित और एक नाम है विष्णुरात। हैं विष्णुरात मन रई दाने, जिसने उनको दो बार जीवन दिया, और जन्म होते ही गर्भ में दर्शन किया था, जन्म होते ही सबको वो परीक्षा कर रहा था, मैंने जो गर्भ में घुंघडाली बाल और पीताम्बर बंसरी वाले पीताम्बरधारी कहाँ कृष्ण है, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। इसलिए उनकी एक ही बेटा है, लेकिन इस श्रृंगेरी ने उनको अभिशाप दे दिया, बोले सप्तम दिवस में तक्षक दंशन, देखो तक्षक दंशन करेगा एक बेटा, फिर वो मरने वाला है। इसलिए मैया बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर के जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, उसी समय में उनकी माँ भी बैठ करके कथा सुन रही थी, भागवत कथा सुन रही थी। जब कथा सुन रही थी, अभी भागवत कथा विश्राम हो गई, जब विश्राम हो गई, इतने में 7 दिन तक उन्होंने पूरा कथा सुना है। हम लोग जैसे कथा सुन रहे थे ना, ऐसे नहीं कथा हुई है, ये पूरा दिन रात बिना खाए पिए हैं 7 दिन तक, पायखाना नहीं, पेशाब नहीं, पीना नहीं, खाना नहीं है, जो उसमें 18,000 श्लोक को कंटिन्यू दिन रात वो कथा चली, पूरा के पूरा दिन रात ये कथा चली। क्योंकि पहले लोगों के अंदर में धैर्य होता था, अभी लोगों के अंदर में धैर्य नहीं है। 1-2 घंटा अगर पानी नहीं पिए तो प्यास लग जाएगी, फिर बाथरूम जाएंगे, फिर भूख लगेगा। लेकिन पहले लोग ऐसे नहीं होते थे, उनके अंदर में बड़ी सहन शक्ति, धैर्य उनके अंदर में होता था, सहन शक्ति होती थी उनके अंदर में। इसलिए उन्होंने ऐसे ही उन्होंने पूरी कथा सुनाए। जब कथा सुनाए और पूरा पूरा श्लोक ही श्लोक ही श्लोक ही श्लोक था 7 दिन तक। जब 7 दिन तक पूरी हो गई, इतने में श्री उत्तरा अपना बेटा परीक्षित से प्रश्न कर रहा है, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी ये 7-7 दिन तक सुनाते रहे कथा कंटिन्यू दिन रात, अभी तो मैं स्त्री जाती हूँ, बुद्धि भी कम है, मेरे पल्ले में तो इतना पढ़ा ही नहीं, इसलिए तुम मेरे लायक ऐसे थोड़ा कुछ बात बता दे, जैसे मैं मेरी मन में जैसे ये बात बैठ जाए। वो बोलना क्या चाह रहे थे, जैसे किसी चीज़ को हमने सुने, अगर उसका सारार्थ अगर हम समझ नहीं पाए ये क्यों बोल रहे थे, इसका क्या फल है, फिर सुनना नहीं सुनना बराबर है। कम से कम पल्ले में तो पढ़नी चाहिए, भैया क्या बोल रही है, तभी तो हम जीवन में आचरण करेंगे ना। अगर हमारा समझ में ही नहीं आए, फिर हम जीवन में आचरण कैसे करेंगे, लाएंगे कैसे। अभी परीक्षित महाराज ये सोच रहे थे, अभी 7 दिन तक हमने ये कथा सुनी, मेरे पास में थोड़े समय बचा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ 7 दिन में हमने क्या श्रवण किया है इसको थोड़ा मनन, मनन मतलब क्या, इसको चिंतन करना, ये बोलना क्या चाहते थे, अपना जीवन में ये चीज़ को हम कैसे उतारे, वो सोच रहे थे मनन करने के लिए। इतने में बीच ने मैया ने प्रश्न कर दी, बोले मेरा पल्ले में तो कुछ पढ़ो ही ना, इसलिए मेरे लायक थोड़ी बहुत कुछ बता दे। माँ है, हैं माँ कितने प्यारी होती, कितने ममता होती है माँ में, हैं इसलिए
अभी उसने माँ की ममता में आ करके बोले ठीक है माता जी, मैं आपको थोड़ी से समय में इसकी सारांश को मैं सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने जो सारांश सुनाया उसका नाम पड़ गया बृहद भागवतामृतम। हैं, भागवत को क्या बताया? भागवत को भी बताया अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणम भारता अर्थ विनिर्णय गायत्री भास रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। इसका मतलब है जो भागवत है अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। हैं, भारतार्थ विनिर्णय जो महाभारत का जो सार ये है, बोले गायत्री का ये भाष्य है और वेद का सार ये भागवत है। इसलिए बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। इसका मतलब है अगर भागवत का रस को तुम पान कर लो ना और तुम्हारी किसी रस को पीने की इच्छा नहीं रह जाएगी। हैं, सारे रस उसके अंदर में, सारे रस ही भागवत में। 7 दिन तक सुने ना भागवत को, इसलिए ये श्रीमद् भागवत है। लेकिन ये जो भागवत तो सारे शास्त्र का निचोड़ है, इसको पान करने पर और किसी ग्रंथ में रुचि नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने क्यों प्रश्न किया, फिर ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ क्यों लिखे? भागवत का सार बताया, फिर भी यहाँ भागवत को कहते बृहद, बृहद मतलब बड़ा। हाँ, भागवत अमृतम, भागवत का जो सार है ना, कहते ये ग्रंथ में भागवत का सार भी ये ग्रंथ में वर्णना किया। अभी प्रश्न है फिर उन्होंने ये ग्रंथ क्यों वर्णना किया? भागवत तो सारे शास्त्र का सार है, हैं? फिर ये ग्रंथ उन्होंने फिर रचना करने का क्या जरूरत था? तो उसका कारण कहते हैं ये कलयुग है। ये कलयुग होने का नाते आप देखना, ज्ञानी अपनी आप को सार बताता है हम सर्वश्रेष्ठ है, जो योगी योग साधन करता है कहते ये सर्वश्रेष्ठ, इससे बड़ा कुछ है नहीं। जो कर्म मार्ग में जाते हैं कहते भाई कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सार है। और जो भक्ति मार्ग में जाते हैं वो कहते भक्ति सार है। जो जिधर जा रहे हैं ना उधर सार 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 बता रहे हैं। हाँ, इसलिए फिर कलयुग में फिर किया, मतलब प्रायण अल्पायुष, प्राय करके कलयुग में लोगों का आयु भी बहुत कम है। पहले पहले ऐसे होता था द्वापर युग में, त्रेता युग में, जब तक उनकी परम आयु पूरी नहीं होगा मरेंगे नहीं। 1000 साल पूरी होगा तभी कोई मरेगा, 10000 साल पूरी होगा तभी कोई मरेगा, उसको पहले कोई मरते ही नहीं उसको पहले। इसलिए भागवत में कथा आती है जब कृष्ण द्वारका में राजत्व कर रहे थे, एक ब्राह्मण का बच्चा शरीर छोड़ दिया, उन्होंने ला कर कृष्ण के सामने पटक दिया, बोले राजा तेरे पाप से मेरा बच्चा मरा है। क्योंकि राजा अगर धार्मिक हो ना, राजा अगर धार्मिक होता है देश का राजा, कहते उसकी ऊपर सब कुछ दुनिया निर्भर करता है। अगर वो धार्मिक ही होगा सब प्रजा धार्मिक ही होंगी और उसका ही कर्म का फल सब भोग करेंगी। अगर राजा अगर अनित्य होना प्रजा भी सब गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। हैं, इसलिए बोले तेरे पाप से मेरे बच्चा मरा, बड़ी बुरी तरह से कृष्ण को गाली दिया, बड़ी बुरी तरह से। इसलिए लेकिन कलयुग ऐसे युग है इसमें किसी की परम आयु फिक्स नहीं। कोई बता सकते हो जो हमने श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाओगे? कोई बोल सकते हैं? नहीं, बैठ बैठ कर बस हार्ट फेल हो गया, वहीं पर बैठ बैठ कर राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य, कलयुग में लोगों का जो आयु प्राय करके अल्प आयु है। केवल अल्प आयु नहीं, झुपद्रुता, बड़े बड़े उत्पात भी है। भक्ति करने के लिए विशेष करके जाओ तो इतने उत्पात है, कोई उल्टा पुल्टा काम करो कोई कुछ बोलेगा नहीं, थोड़ी टीका लगा दो गला में, कंठी पहन लो, बोले ये कौन सा है, हैं, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, या अभी से ही वो टीका तिलक तुमने क्या से वो लगाना शुरू कर दिया। ये कलयुग इतना गंदा युग है, इसलिए अभी ये कलयुग में, इसलिए ग्रंथों को उन्होंने क्यों लिखा, कारण क्या? बोले कारण है कलयुग में परमायु कम है। अगर जब तक हम ये चीज़ को नहीं समझे सारे शास्त्र का निचोड़ क्या है, फिर उसको जीवन में आचरण कैसे करोगे? पहले तो पता चले भैया शास्त्र क्या बताना चाहते हैं, पहले तो ये चीज़ को समझ लो, उसको बाद में तो फिर चलोगे। नहीं तो ऐसे नहीं आंख बंद अंधे जैसे अंधे धुन से चल रहे हो, पूजा कहाँ जा रहे हो, बोले पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो। इसलिए पहले ये पता चले भैया तुम जा रहे हो किधर, पहले ये चीज़ पता चले। हैं, इसलिए ये ग्रंथ को उन्होंने इसलिए बनाए
थोड़ी समय के अंदर में हमें शास्त्र का सार पता चल जाए, कम से कम पता चलने पर वो जीवन को आचरण मिला, बस हो गया, काम हो गया। इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी ये ग्रंथ को रचना की। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, बोले ये जो ग्रंथ हैं जैसे समुद्र मंथन, समुद्र मंथन नहीं, जैसे खीर समुद्र है, जैसे खीर समुद्र को मंथन करके जैसे उसमें मक्खन निकलता है, कभी सारे शास्त्र को मंथन करते हुए कभी ये मक्खन है, और मक्खन क्या है, दूध का सार मक्खन है, कभी सारे शास्त्र का जो सार है कभी ये कौन है, कभी ये बृहत भागवत अमृत, बस बस मक्खन मिल गया, और दूसरे चीज से क्या मतलब है, मक्खन से ही मतलब हमारी है, हैं मक्खन मिल जाए। इसलिए कहते ये भागवत, ये बृहत भागवत अमृत, बृहत भागवत का भी ये अमृत है, हैं इसलिए इसका नाम बृहत भागवत अमृत, ये ग्रंथ का नाम बताया गया। इसलिए कहते जो सनातन गोस्वामी वो कौन है, इनके हृदय में ये स्फूर्ति कैसे हुआ, यह प्रश्न कर रहे हैं, ये जो भागवत का जो अमृत सार इनके हृदय में कहाँ से स्फूर्ति हुआ, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद से, श्रीमन महाप्रभु इनका हृदय में सारे तत्व ज्ञान, सारे सिद्धांत, सारे रस तत्व इनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने इनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कराया। इसलिए वो ऐसे के संत हुए सनातन गोस्वामी। हम तो नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं, रिश्वत देते हैं ना, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, कितना दिया रिश्वत बोलो, कितना पैसा दिया, उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं, 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने जेल कीपर को उन्होंने रिश्वत दिया, अगर मेरे को छोड़ दे मैं वृंदावन में चला जाऊँगा भजन करने के लिए। इतने उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर पद में थे, नवाब का इतने बड़े थे, हैं प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सारा दुनिया में कितने लड़ाई, लेकिन इतने बड़े पोस्ट उनको मिलने का बावजूद भी नौकरी को छोड़ करके कहाँ आना चाहते हैं, वृंदावन में भजन करने के लिए चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इतने पैसा रिश्वत दिया, और हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, ये इतने बड़े संत हुए ठाकुर जी हैं, इनकी सर को हमने मीठी मीठी बंसुरी बजाई, और बंसी ध्वनि से गिरिराज पूरा पिघल गया है, उसमें भगवान अपना चरण का छाप, गैया की खूर का छाप, अपना बंसुरी और गैया चराने वाले लखोटी, ये चार चिन्ह उन्होंने गिरिराज शिला में दिया। बोले इसको अगर तू चार बार परिक्रमा करोगे ना, तुमको गिरिराज परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। इसलिए वो जो शिला है अभी श्री वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में, और कहते जो मूल शिला यहाँ पर औरंगजेब आक्रमण करने पर उसको जयपुर लेगी, जयपुर ले गए उस शिला को। इसलिए अभी अधिक महीना में देखोगे ना, हजार हजार लोग वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, क्यों, कृष्ण खुद बताए इसको चार बार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज परिक्रमा करने का तुम्हें फल मिल जाएगा। बोले श्री गिरिराज बाबा की, बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए वो ऐसे संत हुए हैं श्री सनातन गोस्वामी, अद्भुत संत हुए हैं। ठाकुर जी जिनको पास में खाने के लिए तरसते थे, मांगते थे, जब वो मथुरा जाते थे, पहले ठाकुर जी के चौबेन के घर में रहते, चौबेन जानते हो, वहाँ के जो चौबे, चौबे मतलब जो चार वेद को जानने वाले, दुबे त्रिवेदी हैं, जो तीन वेद को जानने वाले, दो वेद को जानने वाले, वहाँ चौबेनी मतलब जो चार वेद को जो जानने वाले, कोई उसकी अंदर में इतनी भक्ति की भावना, इतनी भक्ति की भावना उसकी अंदर में थी। उसका अपना तो एक बेटा था जिसका नाम था सदना, और ठाकुर जी मदन मोहन थे, वो मानती थी मेरा दो बेटे हैं, ये मदन मोहन भी एक बेटा, प्यार से बोलता था ये मदना और मेरा अपना बेटा सदना, मदना और सदना ऐसे मानती थी। और ठाकुर जी क्या करते थे, स्वयं इनको उसको बेटे को साथ में खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, हैं गुल्ली डंडा खेलते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी गए, देखा दोनों बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और उनका अंदर में पण था, जो हार जाएगा ना वो घोड़ा बनेगा। पहली बार खेल हुई तो सदना ने हार गया, और मदन मोहन ठाकुर जी बोले घोड़ा बन, दोस्त है ना, घोड़ा बन करके ले चल ले चल। दूसरी बार खेल हुई, ठाकुर स्वयं हार गए, बोले तू घोड़ा बन, बोले बैठ। जब बैठने गए ना, उसने तो भाग करके चले गए मंदिर में, लेकिन ये पुजारी ये चीज को नहीं देख रहा था, ये श्री सनातन गोस्वामी देख रहे थे। क्यों, ये राधा रानी की ये
लवंग मंजरी, ये एक दासी राधा रानी की ये देख रहे थे। और इसने तो उसको पिछले सारे तेरा नंबर आया तो मेरे को घोड़ा बना दिया, मेरा नंबर आया तो तू मंदिर में घुस गया। पुजारी डांट लगाए, कहाँ जा रहे हो? बोले आज गया ना कल आओगे ना, कल तेरे का छक्का छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन जब आए फिर देखा जो माता जी खिचड़ी बना रही हैं। कैसे खिचड़ी बना रही हैं? इधर दांतन कर रही थी, दांतन को पीछे खिचड़ी चला रही थी। इन्होंने देखा बोले हे भगवान ये क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को भोग लगाया, शौच क्रिया भी किया नहीं, कपड़ा भी छोड़ा नहीं, और दांतन कर रही हैं और उसको पीछे खिचड़ी बना रही हैं। बोले ये क्या कर रहे हो? ये ठाकुर जी है, पहले नहा धो करके पवित्र होकर के ठाकुर जी को कलसी से खिचड़ी चलाओ। बोले बाबा मूर्ख आदमी मैं क्या जानता हूँ। जब फिर दूसरे दिन गए ना, पहले तो बाथरूम अटैच था ही नहीं, जाओ जंगल में और यमुना में नहा करके आओ, हैं यमुना में नहा करके आओ। आते आते हो गया देर हो गया, तो अब देखना बच्चों को नींद खुलते ही ना भूख लगता है। आ करके देखा ठाकुर जी और उनका बच्चे दोनों रो रहे। बोले मैया भूख लग रहा है, मैया खिचड़ी खिला दो। उनको कपड़ा खींच रहे, बोले मैया भूख लग रही है खिचड़ी खिला दो। सनातन गोस्वामी देखा आज पवित्र बन करके अच्छे तरह से ठाकुर को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर का तर सही नहीं, सहन नहीं हो रहा है, रो रहे हैं। मतलब पहले जैसे खिलाते थे उसमें ही ठाकुर जी खुश थे, क्योंकि वो भगवान को अपना बेटा मानती थी। अगर बेटा अगर मचलता है दूध पीने के लिए, भोजन के लिए, माँ कभी सोचती है नहीं अभी तो मैं शौच क्रिया में गई नहीं, अभी तक तो कपड़ा छोड़ी नहीं, लाला को भोजन कैसे कराओ, सोचती है नहीं। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में ही बच्चे को खिला देती हैं। उसी तरह भगवान प्रेम के ठाकुर जी, प्रेम के ठाकुर जी, केवल भूखे ठाकुर जी, प्रेम के भूखे ठाकुर जी। बोले तुम जैसे पहले करती थी ना वैसे ही क्या करो, जरूरत नहीं तुमको, जरूरत नहीं पवित्र होने का, ठाकुर जी उसी में खुश। ऐसे जो संत हैं ये ग्रंथ को, वो संत ने ये ग्रंथ बनाया, समझो ये ग्रंथ कितने श्रेष्ठ ग्रंथ, ये ग्रंथ नहीं होगा। बोले श्री सनातन गोस्वामी की। इसलिए जब श्री उनको माता जी ने पूछा मेरे को कथा सुनाओ, तब उन्होंने क्या बोले, मेरे को भागवत का सार सुनाओ जैसे मेरे समझ में आ जाए। तब श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कहते ये भागवत का सार क्या है, कहते भागवत का जो सार है ये ब्रज गोपियों का प्रेम और राधा रानी का प्रेम ही भागवत का यही सार है। अगर भागवत को मंथन करोगे तो क्या निकलेगा इससे, इसमें निकलेगा उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान की, उनसे जैसे भक्त जगत में कोई नहीं। कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है, कहते न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्वलिर न शंकर, कहते मेरा बेटा कितना प्यारा होता है, कहते मेरा बेटा भी इतना प्यारा नहीं। मतलब बेटा की बात छोड़ दो, जो हरि हर एकात्मा, हम कहते ना हरि हर एकात्मा, इतना प्रिय शंकर जी, कहते ये शंकर भी इतना प्रिय नहीं। बोले उसकी बात छोड़ दो, अपना पत्नी कितना प्यारी होती है। घर में अगर लड़ाई हो ना हम किसको लेकर अलग हो जाते हैं, पिता माता भाई बंधु सब काम एक साइड कर लेते हैं, किसको लेकर अलग हो जाते हैं, अपना बीवी को लेकर के अलग हो जाती, इतने प्यारी है बीवी। कहते मेरी जो पत्नी, जो बख्य स्थल में जो निवास करने वाले लक्ष्मी, ये लक्ष्मी भी इतने प्रिय नहीं। कहते उनसे बड़े कौन? बोले दाऊ भैया, श्री बलदेव प्रभु, क्योंकि कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, बस केवल इतना ही फर्क और कुछ फर्क नहीं दोनों में। लेकिन स्वयं कृष्ण कहते हैं ये दाऊ भैया भी इतना मेरा प्यारा नहीं। बोले दाऊ भैया की बात ही छोड़ दो, कहते मेरा जो आत्मा है ना, हाँ अगर पत्नी से तुम्हारी लड़ाई हो गई, भाई से, फिर क्या करोगे, अकेले तो रहोगे ना। कहते आत्मा, मेरे जो आत्मा है वो आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं। उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, इतने प्रिय उद्धव। लेकिन वही उद्धव जब ब्रज में आते हैं, जब उन्होंने गोपियों को प्रेम को देखा, जब उन्होंने राधा रानी को प्रेम को देखा, उद्धव जी क्या कहते हैं, बोले आशा महो चरण रेणु जो सांग महंग सांग वृंदावन किमपि गोलमल तो सदिना। प्रार्थना करते बोले प्रभु अगर वृंदावन में मेरे को घास बना दो। बोले घास क्यों बनना चाहते हो? बोले ये ब्रज की गोपियाँ जब ये श्रृंगार करके कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी, चल करके तो जाना पड़ेगा ना,
अगर मैं घास बन करके रहूंगा तो उनका चरण मेरे सर पर पड़ेगा, और मेरे चरण धूलि अगर मेरे गोपियों की चरण धूलि पड़े मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कहते हैं मेरे को आप लता पता बना दो। बोले लता पता क्यों बनना चाहते हो? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर ते। ठाकुर जी कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर वहाँ लता पता बने रहेंगे तो ठाकुर का लीला दर्शन हो जाएगा। कहते वहाँ की औषध वृक्ष बनाओ। बोले क्यों? बोले कभी तो बीमारी पड़ेंगे, दवा तो ग्रहण करेंगे, जब दवा लेंगे बस उनके हृदय में भी मैं चला जाऊंगा। इसलिए उनकी चरण की एक धूल वंदना की। कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिष्णक्ष। कहते उनकी चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना की। बोले किसकी? बोले राधा रानी। अगर कहते भागवत को अगर मंथन की जाए, भागवत को सार मक्खन क्या निकलेगा? बोले राधा रानी का प्रेम। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री ब्रज गोपियों की। इसलिए परीक्षित महाराज ने बोले आप कह रहे हो भागवत की सार सुनाने के लिए, फिर क्या बोल दूं राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ? बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बोले फिर कैसे सुनना चाहते हो? उन्होंने उदाहरण दिया जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं, हैं? गन्ने से जूस निकालते हैं, निकालने के बाद वो जूस को फिर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? गुड़ हो जाता है। फिर एक गुड़ को जब साफ करते हैं ना, एक उसमें फिर बन जाता है बड़ा बड़ा क्या चीनी बन जाती है। फिर उसको साफ कर तो और चीनी बन जाती है, अगर उसको साफ कर तो खंडसार बन जाता है, अगर उसको पूरा अगर साफ करना फिर वो मिश्री बन जाती है, हैं? मिश्री खंडसार बन जाती है। कहते ठीक उसी तरह ये राधा रानी का प्रेम क्यों श्रेष्ठ है और ये ब्रज गोपियों का प्रेम क्यों श्रेष्ठ है? देखो ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। जब तक ये ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे ना, कोई बोलेगा हम राम का भक्त बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम तो नारायण की परिकर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम द्वारकाधीश कृष्ण को चाहते हैं, कोई बोलेगा हम मथुरे से कृष्ण बनना चाहते हैं, हैं? लेकिन अगर ये ग्रंथ सुनेंगे ना, बोले भैया हम और कुछ बनना नहीं चाहते हैं, हम तो श्री राधा रानी की चेरी बनना चाहते हैं, राधा रानी की हम दासी बनना चाहते हैं। कहते कृष्ण के बगैर जितने सब भक्त है ना, अगर कोई राम का भक्त बनेगा तो किस रूप में शरीर प्राप्त होगा? बंदर का शरीर। राम का जितने भक्त कैसे है बता, राम का जितने भक्त क्या है? बंदर है सब के सब। अगर कुछ नहीं अगर नारायण का भक्त बनेगा तो उनका कितना हाथ बनेगा? चार हाथ बनेगा। केवल जो कृष्ण भक्त बनते हैं, जैसे कृष्ण का दो हाथ है, बंसरी बजाते हैं, कृष्ण का जैसे शरीर है, जो स्वाभाविक जो इंसान है केवल कृष्ण भक्त ही स्वाभाविक रूप में, केवल दो हाथ दो आंखें और स्वाभाविक रूप में इंसान। क्योंकि कृष्ण का जितने गोपियों को देखो, कृष्ण का सखाओं को देखो कैसे? सब कृष्ण जैसे। उनकी सखियों का देखो कैसे? सबके सब गोपियाँ जैसे। इसलिए कहते केवल जो कृष्ण भक्त है ना, इनकी ही स्वाभाविक रूप में इंसान का जैसे रूप है। और जितने भक्त बन गए कहीं तो तुम्हारे चार हाथ हो जाएगी, नहीं तो कहीं बंदर बन जाओगे, कहीं तो भालू बन जाओगे। इसलिए हमें बनना तो किसका भक्त बनना, हमें किसका भक्त बनना है? हाँ, भगवान कृष्ण की भक्त ही, हमें कृष्ण ही भक्त बनना। इसमें दो खंड है, दो खंड में जो एक खंड में गोप कुमारी कथा अद्भुत कथा है, कैसे ये गोप कुमारी ने कैसे कृष्ण मंत्र जप की, ये मंत्र कैसे भूर भुव मोह जन तप सत्य सब लोग को पार करते करते अयोध्या वैकुंठ सारी चीज को पार करते हुए जा रहा है और सबका धाम का वर्णन कर रहे हैं। ये धाम में क्या स्थिति, ये धाम में क्या स्थिति, इसी धाम में कैसे ठाकुर को सेवा होता है, ये धाम में ठाकुर को कैसे स्थिति होता है। लेकिन जब वो हमें जो गुरुदेव गोपाल मंत्र दिया है, जो गोपाल मंत्र, इसका अधिष्ठात्री देवता कौन है? ये गोपाल है, कृष्ण ही है। जब तक ये गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाता कृष्ण के पास में, जाता है सब धाम में लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। कुछ दिन रहने के बाद ना मन उचाट सा हो जाता है, बोले नहीं यहाँ नहीं, हमें और कहीं जानी चाहिए। फिर और एक धाम को जाता है, वहाँ बढ़िया लगता है लेकिन कुछ दिन बाद मन उदास हो जाता है, नहीं यहाँ नहीं। ऐसे करते करते जब उसने कृष्ण को साथ में मिले, फिर जा करके उनको पूर्ण तृप्त होता है, पूरा सैटिस्फाई हो जाता है, मैं अपना स्थान में आ गया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मेरे को कैसे कथा सुनाओ, धीरे 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 धीरे। क्यों ये राधा रानी का ब्रज प्रेम श्रेष्ठ क्यों, ये गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ क्यों है, हमें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कारण क्या है,
ये प्रेम से दूसरे प्रेम श्रेष्ठ क्यों? इसलिए यहाँ पर पांच तरह का भक्तों का नाम लिया। कितने तरह का? क्या क्या है? पहले एक ज्ञानी भक्त, एक शुद्ध भक्त, एक प्रेमी भक्त, एक प्रेमापर और एक प्रेमातुर। ये पांच तरह का भक्तों का नाम भागवत में इसमें बताए। इसलिए ये इन्होंने जैसे ये ग्रंथ है ऐसे नहीं भागवत से कोई बाहर उन्होंने दिखाया, नहीं, भागवत से ही सारे चीज को लिया। लेकिन भागवत में तो सारी चीज है, लेकिन होने पर भी ना आप भागवत डायरेक्ट पढ़ कर कोई चीज को नहीं निकाल सकते हो। ये ज्ञानी भक्त क्यों, ये शुद्ध भक्त क्यों, ये प्रेमी भक्त, ये चीज को नहीं निकाल सकते हो। और उनमें क्या क्या लक्षण है, सनातन गोस्वामी एक एक करके उन्होंने ये चीज को ये ग्रंथ में दर्शाया। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी थे श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी, ये प्राय करके जहाँ जहाँ जाते थे इसी ग्रंथ को सुनाते थे। बोले क्यों? बोले ये ग्रंथ ऐसे एक ग्रंथ है जो कि थोड़ी सी समय में आप सारे शास्त्र का निचोड़ को आप समझ सकते हो, निचोड़ को समझ करके फिर अपना जीवन में इसको उतार सकते हो। इसलिए प्राय करके गुरुदेव सब जगह में इसकी कथा की, यही कथा को उन्होंने सुनाया करते थे। इसलिए बोले मेरे को क्या कथा सुनाओ, हमें स्टेप बाय सारी कथा को सुनाओ। इसलिए कहते ये जो भक्ति है, कहते इसमें हैं जिसमें दो खंड आया, एक पूर्व खंड और एक उत्तर खंड, दो ग्रंथ में इसके सार बताया गया, जिसमें भक्ति, भक्त और भगवान इनके निरूपण जिस ग्रंथ में निरूपण की गई है। इसलिए कहते ये जो ग्रंथ है इसको कौन सुन सकता है? देखो ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे। कहते ये ग्रंथ को कौन सुन सकता है? पहले ग्रंथों को केवल वही लोग सुने जिनका लक्ष्य है राधा रमण के चरण कमल, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण का प्रेम की महिमा इसमें बताया है। क्यों? राधा कृष्ण का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। अगर दूसरों की कोई अगर भक्ति करता होगा इसको तो सुनकर तो मन खराब हो जाएगा, अरे कृष्ण भक्ति को इतना श्रेष्ठ बता रहे। इसलिए अधिकारी कौन सुन सकता है? जिनका राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, जिनकी जीवन का सर्वस्व है, कहते ये वही लोग ही ये ग्रंथों को श्रवण कर सकते हैं। बोले उसमें अभिधेय क्या है? कि अभिधेय ये है, कहते यद्यपि कृष्ण को सभी भक्तों ने उपासना किया, अभिधेय मतलब था प्रोसेस, प्राप्ति का जो मार्ग है, हैं, कहते यद्यपि कृष्ण को सभी भक्तों ने भक्ति किया है, लेकिन इनको सर्वश्रेष्ठ रूप में किसने भक्ति की? बोले ब्रज गोपियों ने उनको भक्ति की, हैं, ब्रज गोपियों ने इनको भक्ति की। इसलिए ये ब्रज गोपियों की जो मार्ग है, साधन है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारा आराध्य कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हमारा आराध्य। कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, कितना है? ये कथा को सब याद करना। देखो आप लोग तो बहुत बहुत भक्त पुराण भक्त हो गए, अगर ये चीज को समझोगे ना फिर हमारी गौड़ीय सिद्धांत को अच्छे तरह समझ जाओगे। बोले भैया हम तो सुना कृष्ण एक, आप कह रहे तीन कृष्ण है। कह तीन नहीं, रूप गोस्वामी तो 96 तरह का भगवान की नायिका 96 तरह का बता रहे। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रुजल नीलमणि में इस बात को उन्होंने बताया, अद्भुत है। इसलिए कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव रस्ता नहीं। भागवत कहाँ पढ़नी चाहिए? वैष्णव के अनुगत में पढ़नी चाहिए भागवत, तभी भागवत का सिद्धांत को तब भी पूरा अच्छे तरह से ये चीज को समझ सकते हो। कहते कौन सा भक्त है? बोले चैतन्य चरणी, जो महाप्रभु का अपना जीवन का सर्वस्व बनाया उनकी अनुगत्य में ये भागवत ग्रंथ को हम पढ़नी चाहिए। कि तबे तो बुझीवे तो भी सिद्धांत तरंग, सिद्धांत का जो तरंग है तभी इसको अच्छे तरह से समझ सकते हो। इसलिए यहाँ पर करे इसका अभिधेय कौन है? बोले गोपियां जैसे भगवान की भक्ति की ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। कहते ये संबंध क्या है? कहते संबंध है भगवान की प्यारी प्यारी, उनको जो कथाएं हैं सुंदर सुंदर, उनका नाम रूप लीला, ये सब कथाओं को हमें श्रवण करनी चाहिए। कहते प्रयोजन क्या है? कहते प्रयोजन है राधा रमन जुगल सरकार की जो प्रेम सेवा ही हमारी, यही हमारी प्रयोजन है जीवन में, हमारी यही प्रयोजन है। इसलिए जब ये ग्रंथ को वो प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही
इनके हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान एक सनातन शिक्षा है, एक रूप शिक्षा है। यदि सनातन शिक्षा में इन्होंने श्री महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी की हृदय में ये प्रयाग में सारे तत्व सिद्धांत उन्होंने हृदय में स्फुरण प्राप्त कराया, इसलिए ये चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में अद्भुत रूप में महाप्रभु उनकी जो शिक्षा प्रदान की जिसको सनातन शिक्षा कहते हैं, उन्होंने महाप्रभु का चरणों को वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? बोले जयति निज पदाब्ज प्रेम दाना बतीर्णो विविध मधुरिमाब्धि कोपि कैश्वर गंध गत परम दशांतम जस्य चैतन्य रूपा दनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपी सुनित्यम। कद जयति निज पदाब जो प्रेम दाना बतीर्णा। कद ये जगत में जो भगवान जगत में आते हैं बहुत कारण हैं, जैसे जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, भगवान आते हैं दुष्टों को विनाश करने के लिए, संतों को रक्षा करने के लिए हैं जगत में, गो ब्राह्मण इनके हित के लिए ठाकुर जाते, बहुत कारण हैं। लेकिन यहाँ कहते महाप्रभु जब जगत में आए क्यों? बोले जयति निज पदाब जो प्रेम दाना बतीर्णा, वो केवल अपना प्रेम को देने के लिए आए हैं, अपना प्रेम को जगत में देने के लिए आए। क्यों? लोगों को पता ही नहीं था ये प्रेम क्या चीज़ होता है, हैं? भगवान तो वहीं पर अपना वैकुंठ जगत में बैठी बैठी करके राक्षस वसो मार सकते हैं, वहीं पर बैठ उनको इच्छा से ही सब मर जाएंगे, फिर जगत में क्यों ठाकुर जी आते हैं? कहते अपना प्रेम को जगत में देने के लिए। इसलिए कहते हैं साधु पावा बड़ा कष्ट जिबर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला नदिया। क्यों? कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान स्वयं महापुरुष संन्यास लिया है ना। बोले क्यों? बोले साधु का चरित्र कैसे होनी चाहिए, साधु का आदर्श कैसे होनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु स्वयं संन्यास ग्रहण किया है। संन्यास ग्रहण करते हुए घर घर में गए, अपना झोली पसार करके भिक्षा मांगे। बोले क्या भिक्षा मांगे? बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो, और शिक्षा पाओ तो कृष्ण शिक्षा करो। इसलिए जय ते निज पदाब जब प्रेम दाना बतीर्णो कद विविध मधुरिमापि कोपि कैश्वरी गंध बोले गत परम दशांतम जस्य चैतन्य रूपा दनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपी सुनित्यम। यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की जो भक्ति है वो एक रस है, समुद्र है भक्ति रस को, इसलिए रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखे भक्ति रसामृत सिंधु, जिसका नाम अमृत सिंधु उन्होंने दिया, नाम पूरा सिंधु है। लेकिन अमृत सिंधु में इन्होंने ये दिखाए, यद्यपि सभी का भक्ति भक्ति है, लेकिन भक्ति भक्ति होने पर भी कहते दनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपी सुनित्यम, लेकिन ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप में कहाँ पर जाकर के स्थगित हुई? बोले ब्रज गोपियों के पास में जाकर के वही भक्ति की चरमता, और उसको ऊपर में और चरमता नहीं, उसको ऊपर में गोपियों का प्रेम ही जीव का जो अधिकार है, लास्ट में जीव वहीं तक ही जा सकता है। ये गोपियों ने जैसे भगवान को भक्ति की, इनकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इनकी जैसे भक्ति जगत में कोई है नहीं। इसलिए यहाँ कहते बोले श्री राधिकाया प्रभृतयो नितराम जयंती गोप्य नितांत भगवत प्रियाभि जस्या हरौ परम सौहृदय माधुरिनाम निर्विक्तम मिषदपि जातु नो कोपि। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले ये भक्ति भगवान, और एक चीज भगवान दिखाया, जैसे भक्त जैसे भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान भी भक्तों को भक्ति करते हैं। हम लोग भगवान को भक्ति करते हैं, ठाकुर को भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का प्रेम इतने वशीभूत हो जाते हैं, भगवान भी अपना भक्तों को भक्ति करते हैं, जैसे हम भी भक्ति करते हैं ठाकुर भी भक्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अर्चयित्वा तो गोविंदम तद भक्तम न अर्चयित्वा जत न च भागवत गय सत्साम्भिक स्मृत। तद अगर कोई भगवान को अर्चन करते हैं लेकिन भक्तों को इतना आदर नहीं देते, केवल ठाकुर का अर्चन करते लेकिन भक्तों की सेवा नहीं करते, ये कहते नच भागवत गई वो भागवत नहीं, केवल दाम्भिकम स्मित, उसका अंदर में केवल दम्भ ही प्रकाश पाते। बोले क्यों? बोले ठाकुर कहाँ पर बैठे? संतों की
हृदय में भगवान का निवास है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं जे मैं भक्ता जना पार्थ न मैं भक्तास्ते जना, जो कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हो मेरा भक्त नहीं, कहते मेरा असली भक्त कौन है, बोलते मत भक्ता नाम चल जे भक्तास्ते, जो कहते मैं भक्तों का ही भक्त हूँ, भगवान कहते वो मेरे असली भक्त है, वही मेरी असली भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हैं बोले आराधना नाम सर्वे सांग विष्णु आराधना पर्व। एक दिन पार्वती शंकर जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु हम किसकी पूजा करें, तब शंकर जी बोले पार्वती आराधना नाम सर्वे सांग विष्णु आराधना पर्व। आराधना में जो सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ। पार्वती का मन तो खराब हो गया, बोले तो जिंदगी भर में तो शंकर जी की पूजा करते करते आज भर तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया। तब बोले नहीं पार्वती दुखी मत हो, हाँ तदिया नाम समर्चनम, उससे भी एक श्रेष्ठ आराधना है जो भगवान की भक्तों को जो सेवा करते हैं। और शंकर जी कौन है, ये वैष्णवा नाम यथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य श्री भोले बाबा हैं। इसलिए इनको भक्ति किस लिए किया जाए, कहते भगवान की प्रेम को पाने के लिए, ये दुनियादारी वस्तु के लिए उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर तो शंकर जी हमें ठग लेंगे हैं, शंकर जी ठग लेंगे। लेकिन हमें किसी भाव से शंकर जी, इसलिए गोपियाँ भी पूजा करती थी गोपेश्वर महादेव को, देखो मंत्र इधर आ गया, इसलिए पूजा करती थी। लेकिन किस रूप में पूजा करती थी, वो कहती थी बोले श्रीमात गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनदन नर डढ गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्रि पद्मे प्रेम प्रजा चनित राम निरुपाधिका। इसलिए कहते हे गोपीश्वर अब हमारे ऊपर में कृपा करो। बोले क्या कृपा करो, बोले ब्रज में जो विलास करते हैं राधा कृष्ण उनके चरण में हमें अहितु की हमें भक्ति, उनके चरण में हमें प्रेम को आप प्रदान करो। इसलिए यहाँ श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, कहते आराधना में किसका आराधना सर्वश्रेष्ठ, भगवान की। लेकिन भगवान से भी उनकी भक्तों की जो आराधना है ये सर्वश्रेष्ठ आराधना है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी उदाहरण देते हैं, भगवान कहते मत भक्त पूजा व्यधिक सर्वभूतेषु मन्मति, मेरे से मेरा भक्त का पूजा सर्वश्रेष्ठ, मेरे भक्त का पूजा। इसलिए बोले सो दैत निज भावम विभाव जो स्वभावात सुमधुरम अवतीर्णम भक्ति रूपेण लोभात। महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हैं, महाप्रभु कौन है, बोले सो दैत निज भावम विभाव्य। महाप्रभु जगत में किस लिए आए हैं, आने का क्या कारण, हम सवेरे सुनते हैं ना किस लिए, कहते मेरे अंदर में ऐसे क्या माधुर्य है, मेरे अंदर में ऐसे क्या रस है, मैं कितने सुंदर हूँ जिसको देख करके मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। और राधा रानी हैं, राधा रानी तो मेरे को देख करके उनके अंदर में जो दिव्य दिव्य भाव प्रकट होता है, कुट्टायत मुट्टायत हैं किलकिंचित भाव, इसलिए उनको शरीर में जो दिव्य दिव्य जो भाव प्रकट होता है, कहते ये भाव तो मेरे अंदर में प्रकट होता ही नहीं, इसलिए वो प्रेम मेरे अंदर में पूर्ण रूप में, लेकिन ये चीज मेरे को पता ही नहीं। इसलिए कलयुग में क्या किया, सो दैत निज भावम विभाव जो स्वभाव, अपना भाव में ही महाप्रभु डूबे हुए। इसलिए महाप्रभु को हर समय देखना हाथ ऐसे उठा कर रखे ना, महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन क्या कहते हैं कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा। जैसे श्रीमती राधा रानी दिन रात कृष्ण चिंता में डूब रहती थी, महाप्रभु ऐसे ही दिन रात कृष्ण चिंता में महाप्रभु डूबे रहते हैं। कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाने पर मैं श्याम सुंदर मुझे मिलेंगे, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख, कृष्ण के सिवाय मेरे हृदय तो फट रहा है, कहार कहे व कथा के सुने मेरे व्यथा, मैं किसको अपना दुख की बात बताऊँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में सुमधुरम अवतीर्णम भक्ति रूपेण लोभात जयति कनक धामा कृष्ण चैतन्य नामा हरिरिह जति वेश श्री सनुरेश। ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्ति रस को आस्वादन किया और सारा दुनिया को उन्होंने अपना भक्ति रस उन्होंने प्रदान किया। इसलिए कहते यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो केमन धरिताम देह
राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो। अगर महाप्रभु जगत में नहीं आते तो राधा रानी कौन है, उनका प्रेम क्या है और प्रेम को कैसे आस्वादन करते हैं, इसलिए हम इसी विषय पर हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए इन्होंने ही आकर के राधा रानी के भाव की चमत्कारिता को दिखाया और स्वयं आस्वादन किया और सर्वत्र उन्होंने अपना प्रेम की महिमा को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो कथा को हम यही समाप्त कर देते हैं क्योंकि आप लोग फिर कल से आओगे नहीं। बोले कि बाप बोले घर में खाना बना ही नहीं और बाबा कथा सुनाते से, इसलिए कल और कल और कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जल्दी जल्दी कथा करने के लिए। और हाँ एक भजन गा लो बड़े Oh,
देखो इतना कथा ठीक है ना, कम कम खाओगे ना डाइजेस्ट करोगे, ज़्यादा फिर खाओगे पेट खराब होगा, क्योंकि आप लोग घर में रसोई बनाओगे, घर घर में अपना घर का काम करता है, इसलिए जल्दी